أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على أهله والسلام لأهلها أما بعد فقد قال مولانا وإمامنا أبو عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم على أحدثك بمكارم الأخلاق الصفح عن الناس ومواساة الرجل أخاه في ماله وذكر الله كثيرا हज़रात ग्रामी सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की शहादत मज़लूमाना की मुनासिबत से आपकी ख़िदमत में हम हर रोज़ मुख्तसर सी गुफ्तगू के साथ हाजिर हैं और आज भी इमाम अलैहिस्सलाम की एक हदीस मुबारक के ज़रिए से आपकी ख़िदमत में हाजिर हैं। इंतहाई अहम मौजू की तरफ इमाम इरशाद फरमा रहे हैं। इस हदीस मुबारक में फरमाते हैं, क्या मैं तुम्हें अच्छे अखलाक की खबर न दे दूँ कि जो अल्लाह की नज़र में, रसूलुल्लाह की नज़र में और अहले बैत अलैहिस्सलाम की नज़र में बेहतर हो। मकारिम अखलाक के बारे में खबर दे रहे हैं जनाब इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की बेहतरीन अखलाक के बारे में हम तुम्हें खबर न दें। रावी ने कहा, क्यों नहीं, आप इरशाद फरमाइए, बेशक खबर दीजिए। आपने फरमाया कि असफ़ अनिन्नास, पहली चीज़ ये है, तीन चीज़ें इसमें इमाम ने इरशाद फरमाया। पहली चीज़ ये है, इमाम फरमाते हैं कि असफ़ अनिन्नास, लोगों को मुआफ़ करो, उनकी गलतियों को दरगुजर कर दो, उन्हें क्या है, उनकी गलतियों पर मुआफ़ कर दो। ये मकारिम अखलाक में से है, बेहतरीन अखलाक में से है, वो काम है कि जो अल्लाह पसंद करता है, रसूलुल्लाह पसंद करते हैं और अहले बैत अलैहिस्सलाम भी पसंद फरमाते हैं। व मवासात रजूल है, ठीक है, और फरमाते हैं कि लोगों की मदद करो, उनकी हाजत रवाई करो, उनकी मुश्किल को बरतरफ करो, ठीक है। कहाँ, फी माल ही, उनके माल में, यानी माल के ज़रिए से अपने मोमिन भाई की मदद करो, उसकी मुश्किलात को दूर करो, उसकी परेशानियों को दूर करो, दाद व दहेज के ज़रिए से, माल के ज़रिए से, पैसे के ज़रिए से, अगर कोई मुश्किल है उसके सामने तो उसकी मुश्किल को क्या है, हल करो, उसकी मुश्किल को बरतरफ करो। ये क्या है, मकारिम अखलाक में से, बेहतरीन अखलाक में से है, ऐसा अखलाक कि जिसे अल्लाह भी पसंद करता है, रसूलुल्लाह भी और अहले बैत रसूलुल्लाह भी। और आखिरी चीज़ फरमाते हैं कि वज़िक्रुल्लाह कथीरा, और अल्लाह का जिक्र ज़्यादा से ज़्यादा करो। खूब बहुत तुलानी गुफ्तगू नहीं करनी है, लेकिन एक बात जो अर्ज़ करनी है वो ये, आइम्मे मासूमीन अलैहिस्सलाम ने अगर ये फरमाया है कि लोगों को माफ़ करो, तो उन्होंने करके भी दिखाया, अपने दुश्मन को और अपने जानी दुश्मनों को, अपने खून के प्यासों को भी आइम्मा ने, अहले बैत ने, मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने माफ़ करके दिखाया है। अमली तौर पर, प्रैक्टिकली जो है, उन्होंने क्या किया है, दरगुजर किया है, माफ़ किया है अपने दुश्मनों को। या इसके अलावा जो दूसरा मरहला है कि लोगों की मदद करने के सिलसिले में किस तरह से मदद कर रहे हैं, अपने पूरे पूरे माल को, अपनी पूरी दौलत को, कई कई बार अल्लाह की राह में क्या है, इन्फाक कर देने वाले हैं, खर्च कर देते हैं, घर में जो कुछ मौजूद है वो अल्लाह की राह में मोहताजों को दे देते हैं, इन्फाक फी सबीलिल्लाह जो है वो क्या अंजाम देते हैं, ऐसे लोगों को देते हैं जिनसे क्या है, बदले की उम्मीद भी नहीं है, अजनबियों के साथ भी क्या है, दाद दहेज का मुजाहरा है, सखावत का मुजाहरा है, अपनों के साथ तो ही है ये रविश, लेकिन अजनबियों के साथ भी, दुश्मनान के साथ भी, अपने दुश्मनों के साथ भी, जानी और खूनी दुश्मन के साथ भी, जगह है मासूम अलैहिस्सलाम ये बर्ताव करते हैं, उन्हें क्या है, दाद दहेज करते हैं, उनके साथ नेक बर्ताव करते हैं, उनकी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं आइम्मा की सीरत में, बहुत सारे इस तरह के वाक़यात मौजूद हैं जहाँ उन्होंने दुश्मनों की भी क्या है, हाजत रवाई की है, वो लोग के जो अजनबी, उनकी भी हाजत रवाई की है, उनकी भी मुश्किल को दूर किया, हर तरीके से, माल के ज़रिए से जो है वो रिस्क के ज़रिए से, गजा के ज़रिए से, मुश्किल में जिस तरह से भी आदमी आता है उनके यहाँ जो है वो फरियाद लेकर उसकी मुश्किल को हल करते हैं। मतलब हर इमाम की ज़िंदगी में सीरत मिलेगी और ये किरदार मिलेगा। खुद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम उम्र के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे और जो है वो क्या है, साथ में क्या है, इमाम के औलाद ज़ुबैर में से एक शख्स हो गया, ठीक है, जाहिर सी बात है कि ये मौला के चाहने वाले नहीं है,
औलाद ज़ुबैर जो है क्या मौला के चाहने वालों में से नहीं है, उनमें से एक शख्स जो है वो मौला के साथ हो लिया। रास्ते में एक दरख्त के नीचे जो है वो मौला तशरीफ़ फरमा हुआ तो आराम फरमाने लगे, तो उस ज़ुबैरी ने जो इमाम के साथ था उसने काश जो है वो इस दरख्त के ऊपर खजूर लगे हुए थे तो हम खा लेते। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि क्या तुम वाकई जो है वो तुम्हारा दिल चाह रहा है खाने का खजूर, क्या तुम खाना चाह रहे हो वाकई? उसने कहा बेशक खाना चाह रहे हैं। बस इमाम सादिक फरमाते हैं कि फौरन इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों हाथों को आसमान की जानिब बुलंद किया और दुआ की, फौरन ही वो दरख्त जो है वो को जो अभी तक जो है वो सूखा हुआ था खुश थे वो सरसब्ज शादाब हो गया, हरा भरा हो गया और उस पर रुतब यानी खजूरें नमदार हुई, ताज़ा खजूर है। अब ये सब होने के बावजूद जो है वो जो ज़ुबैरियों का काफिला था और उनके साथ जो लोग थे और जो उनका ऊँट हकाने वाला था उसने कहा कि देखो ये जादू कर दिया उन्होंने, ठीक है, जैसे उन्होंने कहा कि जादू कर दिया तो इमाम नवरानी जादू नहीं है, जो अल्लाह ने हमें जो मर्तबा दिया है रसूल और आले औलाद रसूल को कि उनकी दुआएं परवरदिगार क्या है कबूल करता है, जो भी दुआ करेंगे उनकी दुआ जो है वो हतमन कबूल की जाएगी। मान फरमाया जादू नहीं है, फिर जो है वो थोड़ी देर के बाद शक करने के बना पर वो दरख्त क्या है सूख गया, खुश हो गया। इसके अलावा मुतअद्दिद वाक़े चूँकि जो है हमारी गुफ्तगू इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के सिलसिले में नहीं है बल्कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मुतअल्लिक़ है, लिहाजा एक वाक़िया इमाम सादिक अलैहिस्सलाम अपनों के लिए भी दूसरों के लिए भी इमाम का किरदार। दाऊद इब्न कसीर ये रावी हैं, उन्होंने रवायत की है कि मैं अपनी जौजा के हमराह जो है वो जनाब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए गया, कहते हैं कि जो है वो हम और हमारी बीवी दोनों जो है वो इमाम की ज़ियारत के लिए निकले, रास्ते में हमारी बीवी का इंतकाल हो गया, रहलत हो गई, बीवी मर गई, ये अकेले जो है वो इमाम की खिदमत में पहुँचे हैं। लिहाजा फरमा रहे हैं कि बीवी रास्ते में मर गई फिर भी क्या है इमाम की ज़ियारत से मुनसरिफ़ नहीं हुए, गाफिल नहीं हुए, इस इरादे को बदला नहीं बल्कि इमाम की खिदमत में हाजिर हुए, इमाम की ज़ियारत के लिए बीवी जो है वो रास्ते में इंतकाल करके उसको शायद दफन कर दिया या जो है वो छोड़ के चले आए वहाँ, लेकिन इमाम की ज़ियारत क्या है छोड़ी नहीं बल्कि इमाम की ज़ियारत के लिए पहुँचे उसी शौक़ के साथ उसी खुलूस और एतकाद के साथ इमाम की खिदमत में पहुँचे। और उन्होंने पूरा वाकया बयान किया जनाब दाऊद इब्न कसीर ने कि इस तरीके से हमारी बीवी मर गया, ज़ाहिरन जो है वो क्या है हकीकतन इमाम को जो है वो क्या है ज़रूरत भी नहीं थी कि जो है वो ये वाकया बयान करें दाऊद इब्न कसीर कि क्या क्या हुआ, लेकिन फिर भी इन्होंने वाकया बयान किया। इमाम ने फरमाया कि जो है वो तुम वापस जाओ, जब तुम वापस जाओगे तो तुम जो है वो अपनी बीवी को ज़िंदा पाओगे और उसे खाना खाता हुआ देखोगे कि वो जब तुम जाओगे तो वो खाना खा रही होगी। अल्लाह अकबर, क्या रहम करम है, कैसे साहब एजाज हैं, कैसे साहब रहम करम है इमाम हमारे। दाऊद इब्न कसीर कहते हैं कि मैं इमाम की ज़ियारत से फारिग हुआ और अपने घर की तरफ चला, घर पहुँचा तो क्या देखा कि बीवी जिंदा और जैसा इमाम ने फरमाया था वैसे ही जो है वो क्या है हमने मंजर देखा कि हमारी बीवी उस वक्त खाना खा रही थी, इमाम ने जैसा फरमाया था वैसे उन्होंने देखा। अल्लाह हम सब की हाजात को बहक़ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कबूल फरमा, हमारी मुश्किलात को जनाब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के वसीले से दूर फरमा, माबूद हमारी मुसीबतों को जनाब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के वसीले से कबूल फरमा, बहक़ मोहम्मद और आले मोहम्मद बिलखसूस बहक़ हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम हम सबको इस मरद मूजी और वबाई मरद से जिसे कोरोना कहा जाता है जिससे आज पूरी दुनिया मुआजह और परेशान है परवरदिगार नजात इनायत फरमा। व आखिर दावाना अन अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम लबैक व सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।